बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे डिस्पेंसरी में स्नेक घुसा है, क्योंकि ये जो है वो रॉकी एरिया है, तो मेरी नज़र पड़ी स्नेक के ऊपर। ये देखें स्नेक, मेरा बंदा जो है यहाँ से इसको निकालना है मारने के लिए, और इसके अंडे भी देखेंगे, और ये देखेंगे अभी स्नेक छुपा हुआ है। स्नेक छुपा है, अभी निकलेगा। और ये जी जी ये देखेंगे, ये आज छुपा हुआ है। मेरी ही नज़र पड़ी थी इत्तेफाक पे, ये अंदर आ रहा था मेरे ऑफिस में। ये मेरा इधर ऑफिस है, ये देखे घूम रहा है स्नेक। ये मेरी ही ऑफिस में आ गया था। ये अपने अली अकबर भाई हैं जिन्होंने इसको हंट किया, इसके अंडे भी थे। इसका मतलब है कि काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा था। देखेंगे ये अंडे भी इसके पड़े हुए हैं। ये कौन सा अली अकबर सांप? इसको गरम मार बोलते हैं हम लोग। ये गरम मार कहते हैं, और ये पहाड़ी सांप है, और बहुत ही पॉइजनस टॉक्सिकेटेड होता है। ये मेरी ऑफिस है, मैं मरीज़ देख रहा था, तो यहाँ मेरी ही नज़र पड़ी इत्तेफाक से। इस बेंच के ऊपर चढ़ गया था, तो मैंने कहा कि अली अकबर इसका कुछ करो भाई, तो अली अकबर ने इसको आखिर पाए तकमील तक पहुँचा दिया। मरीज़ भी थे, मरीज़ों को तो हमने बाहर निकाल दिया। ये चूँकि रॉकी एरिया है, ये देखें तो इधर जो है वो ये इस तरह के सांप बहुत होते हैं। मुझे भी बाज़ अवकात रास्ते में मिलते हैं। ये कि अल्लाह का शुक्र है तो हाई रिस्क है इस एरियाज में ड्यूटी करना, बट एक जिहाद समझ के लोगों की खिदमत के लिए हम आते हैं इतनी दूर। सो अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ये हमारा बंदा इसको लेके जा रहा है, इसको बाहर थ्रो ऑन करेगा। ठीक है, इसको इसका हेड जो है वो उन्होंने क्रैश किया हुआ है, इसका हेड जो है ग्लिच किया हुआ है, तो इसलिए इससे अभी कोई डेंजर नहीं है। बट ये कि पीछे जो इसका धड़ होता है उसमें आपको पता है कि ये आधे घंटे तक इसका जो एनर्जी रहती है। और ये बता रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस होता है, अलबत्ता के साइज़ तो इसकी वही है जो एवरेज होती है, बट ये कि दुबला है, बहुत दुबला पतला है, मतलब देखने में तो क्या छोटा सा लग रहा है, बट ये कि आई थिंक एडल्ट ही है, तभी तो अंडे वगैरह का सारा सिस्टम किया हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ये हैपनिंग हो रही है तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते चलें कि इस तरह भी होता है लाइफ में। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ गई, और ये डिस्पेंसरी जो है आखिरी जो कमरा है वो मेरी ऑफिस है, वहीं पर मैं मरीज़ देख रहा था, तो ये यहाँ से इंटर हुआ। और जब मैंने देखा कि ये अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम इस वाली बेंच पे पेशेंट नहीं थे, और मेरी वहाँ से चूँकि मरीज़ देख रहा था, मैं अंदर तक नज़र पड़ गई, तो मैंने अपने स्टाफ को बताया कि यार ये स्नेक, आई थिंक कि स्नेक अंदर आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है स्नेक जन अपने अंजाम पे पहुँचा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।